फैमिली, कान्हा कली फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को। चॉकलेटी फ्लेवर में आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप दूध, जो कि फुल क्रीम है। यहाँ पे फिर हमने लिया है 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स, 10-10 रुपए वाले आते हैं ना वही, 1.5 चम्मच कोको पाउडर और 2 बड़े चम्मच मलाई, दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना वही मलाई, और हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप चीनी। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और उसे गैस पे रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और जो बाकी का 1 कप दूध है ना उसे हम अलग रख देंगे, उसे हम बाद में यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम दूध के अंदर डाल देंगे 1/2 कप चीनी और गैस का फ्लेम हम लो पर रखेंगे, और जब तक दूध और चीनी हमारा अच्छी तरह से पकेगा तब तक हम अपना आगे का प्रोसेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम 1 पैकेट ओरियो बिस्किट ऐसे तोड़ के डाल देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओरियो बिस्किट से ही लें, चॉकलेटी फ्लेवर में आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 1 पैकेट बिस्किट का बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सिंग बोल और जो हमने बिस्किट्स के पाउडर तैयार किए हैं ना उसको हम बाउल के अंदर डाल देंगे। फिर जो हमने यहाँ पे 1 कप दूध बचा के रखा था ना वो सारा दूध हम पाउडर में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे एक विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध और बिस्किट्स का जो पाउडर है वो अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच कोको पाउडर और इसे भी हम विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच कोको पाउडर का यूज किया है क्योंकि हमने ओरियो बिस्किट्स का 1 ही पैकेट लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध, बिस्किट्स का पाउडर और कोको पाउडर तीनों हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और छानते हुए इस चॉकलेट के पेस्ट को हमने दूध के अंदर डाल दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्लिप हम आपको दिखाना भूल गए। तो फ्रेंड्स, इतने मिश्रण में आपकी जो ग्रिप मिलती है ना उतनी आइसक्रीम यानी 500 ml आइसक्रीम बन जाएगी। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, कुछ ना कुछ हमें बना के रखना चाहिए जिससे बच्चे आराम से इंजॉय कर सकें। और ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आ रहा है। तो अभी हमें इसे चलाते रहना है, चलाते इसलिए रहना है क्योंकि ये नीचे से लगेगा और यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। तो अभी हम इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे बराबर चलाते हुए। और अब यहाँ पर हमारा चॉकलेट का जो मिश्रण है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और ये हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का पेस्ट रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे और ठंडा करने के लिए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए इसे ढक के रख देंगे जिससे कि ये और भी चिल्ड हो जाए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और अब हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी मलाई। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम है तो आप व्हिप्ड क्रीम भी ले सकते हैं, अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना आप उसे भी ले सकते हैं। तो अब हम इस क्रीम को डालेंगे एक मिक्सी जार में और जार में डालने के बाद हम इसे 1 से 2 बार टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद जो हमारा चॉकलेट का मिश्रण है ना हम उसको भी इसी में डाल देंगे।
फिर से हम इसे एक से दो बार इसी तरह से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा आइसक्रीम का पेस्ट है वो पूरी तरह से बनके बिल्कुल तैयार है। अब इस आइसक्रीम को आप आइसक्रीम मोड में डाल दीजिए या फिर किसी बॉक्स में डालकर जमा सकते हैं जिसमें आपका मन करे, तो इसको हम एक एयर कंटेनर बॉक्स में जमाएंगे। तो इस सारे पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर से इसका कैप लगा देंगे। तो इसे हम एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख के फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करने के लिए। तो यहाँ पर एक घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा चोको चिप्स और फिर इसके बाद हमने दो बिस्किट्स लिए हैं जिसको हमने हाफ हाफ कर लिए हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल किया है। आपके पास जो उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं, ये तीनों ऑप्शनल हैं। तो अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे फ्रीजर में अच्छी तरह से जमने के लिए। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से जम के तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। तो अब इसे हम थोड़ा सा चोको चिप्स के साथ गार्निश करेंगे। लग रही है ना मज़ेदार सी आइसक्रीम जैसे हम मार्केट से लाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि हमारी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।